फ्रेंड हम लोग आए हैं पंचायत भवन और यहाँ पर देख सकते हो वहाँ का तैयारी चल रहा है किस प्रकार से। मुखिया जी और सभी गणमान्य जितने भी कुमार पंचायत के प्रतिनिधित्व हैं सभी यहाँ मौजूद हैं और झंडे को फहराने के लिए चल रहा है सजावट। सो फ्रेंड देख सकते हो फाइनली हम लोग का तैयारी कंप्लीट हो गया है और थोड़ा बड़ा फूल वगैरह देना है सिर्फ, और हम लोग अभी तुरंत झंडा तोरण के लिए हमारे का मुखिया जी को आमंत्रित करेंगे। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से झंडा लहरा रहा है हम लोग का, एक पहले ही हमने लगा दिया था, ये वाला मैं आग लगाया हूँ। और नीचे इस तरह का व्यू, ये हमारा भारत का मानचित्र बनाया हुआ है। और मुखिया जी अब हम लोग को झंडा उत्तोलन करने ही वाले हैं, तो देख सकते हैं सब कतारबद्ध एक जगह पर, सब अपने अपने स्थान पर जगह खड़ा हो गया है। और इधर झंडे को मतलब फहराने के लिए धागे को कंजेस्ट कर रहा है और इस तरह कुछ लोग मौजूद हुए हैं देख सकते हैं हम लोग का। और ये देखिए व्यू कुछ ये रहा, ये बच्चे लोग का भी उमंग देखो, सारे बच्चे लोग एक तरफ और इधर जितने भी कुमार लालू पंचायत के एक्टिव गणमान्य सदस्य हैं सभी। किन्हीं को आज कुछ अपना वक्तव्य देना हो, कुछ कहना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे उप मुखिया जो है सुनील रजवार जी को पहले आमंत्रित करूंगा कि वो दो शब्द आज इस पावन अवसर पर रखेंगे। आदरणीय सुनील रजवार जी कृपया यहाँ पधारें। मैं कुमार लालू पंचायत के उप मुखिया और हमारे यहाँ उपस्थित मुखिया जी, पंचायत समिति और सभी वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव, रोजगार सेवक जी और सभी ग्रामीणों और सभी मेरी माता बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन मेरा देश आजाद हुआ था और आजादी अमर दिवस पूरे हुए हैं। जय हिंद जय भारत। आज के कार्यक्रम में सभी जन प्रतिनिधि महिलाएं और गणमान्य नागरिकों का आप हार्दिक बधाई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर बधाइयां, आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज का दिन पूरे भारत देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हर भारतवासी बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाते हैं। आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस देश की प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर हमारे देश की आजादी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।